वेलकम टू माई चैनल एंड दिस इज़ गीतू। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ओट्स की रोटी। इसे बनाने का तरीका नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ओट्स को अपने डाइट में शामिल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ओट्स की रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप ऑफ ओट्स, और हमने यहाँ पे केलॉग्स ओट्स का यूज़ किया है। आप कोई भी ओट्स यूज़ कर सकते हैं। ओट्स की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स आटा रेडी कर लेंगे। 2 कप ओट्स को मिक्सर में फाइन ग्राइंड कर लेंगे। आटा बनके रेडी हो गया है। आटे को हमने बहुत ही फाइन पीसा है और अच्छे से छान लिया है। इससे हमारी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी और रोटी टूटेगी भी नहीं। ओट्स जो है ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, मतलब हमने अगर ठंडे पानी में ओट्स को गूंद लिया तो हमारी रोटी टूट जाएगी और रोटी नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें ओट्स को हमेशा गर्म पानी में ही गूंदना पड़ेगा, सो दैट हमारी रोटी अच्छे से बन पाएगी। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप पानी लेंगे। इसे गर्म करने के लिए गैस पे रख देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगा, हम गैस को बंद करेंगे और आटे को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि हमेशा गर्म पानी में ही हमें आटे को मिक्स करना है। इससे हमारी रोटी जो है वो टूटेगी नहीं और रोटी सॉफ्ट भी बनेगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। 2 मिनट के बाद हम आटे को दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और इसे और भी अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को मिल्क विथ ओट्स पसंद नहीं है या उन्हें मसाला ओट्स भी पसंद नहीं आता है, तो ऐसे में ओट्स की रोटी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम रोटी को बनाएंगे। ओट्स होते हैं हाई इन फाइबर और ये है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन टू। प्लस ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके शुगर लेवल को स्पाइक होने नहीं देता है। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, ओट्स होते हैं लो इन कैलोरीज, मतलब ये आपको वज़न कम करने में भी मदद करता है। सो आवर रोटी इज ऑलमोस्ट रेडी। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना एंड इफ़ देर इज़ एनी डिफ़िकल्टी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप चाहो तो इस तरह गैस पे भी इसे बना सकते हो, ये एक और तरीका है इसको बनाने का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।